किश्तवाड़ शहर में जो पिछले 3 महीने से हमने अभियान चलाया उसके चलते जितने भी केसेस 13 केसेस अभी रजिस्टर हुए, और कल एक और केस FIR नंबर 98/2023 पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ में रजिस्टर हुआ। और इस केस में जो अक्यूज लोग आ रहे हैं ये पहले केसेस में भी इन्वॉल्व थे, और हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी अकॉर्डिंगली। हमने FIR के बाद कोर्ट से आर्डर लिया और हाउस सर्चेज किए। हाउस सर्चेज में हमें इस केस में ड्रग्स मिली। जो ड्रग्स में इन्वॉल्व पाए गए वो हैं यहाँ का एक नामी ग्रामी मशहूर क्रिमिनल, मैं कहूँगा, जिसके खिलाफ 5 FIR हैं, आसिफ इकबाल भट्ट, जो कि जम्मू से ऑपरेट करता था, और यहाँ के जितने भी सप्लायर्स पेडलर्स पकड़े गए उन सबको मेन सप्लायर यही है। तो इसको हमने अरेस्ट किया है, विच इज़ अ बिग अचीवमेंट ऑन द पार्ट ऑफ पुलिस, बिकॉज ये ऐसा पेडलर और इस लेवल का पेडलर जब पकड़ा जाए तो डेफिनेटली पूरा नेटवर्क टूट जाएगा। तो इसके खिलाफ पुराने 5-4 केसेस और इंक्लूडिंग दिस केस 5 केसेस हो गए, इसको अरेस्ट कर लिया, और इसके डिस्क्लोजर पे और मटेरियल हमें मिला है। लाइकवाइज एक जिसको इसने फर्दर सप्लाई और सेल किया था उसका, देर इज अनदर जहांगीर जरगर करके, तो उसके घर से भी हमें ड्रग्स मिली, और इंटरेस्टिंगली उसके घर से हमें इंजेक्शंस, फाइल एंड वेमेंट मशीन जिससे वे करके देते थे, एंड कैश, तो वो चीज़ें मिली। अब इन दोनों के जब हमने बैंक अकाउंट का एनालिसिस करवाने के लिए टीम भेजी है, पता चला है कि इनके हैवी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं विद डिफरेंट पेडलर्स। तो एक ही केस में 50-50 पेडलर और कंज्यूमर्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं। यू कैन वेल इमेजिन कि ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम इज़ वेरी सीरियस। तो इसके चलते हमने बैंक अकाउंट फ्रीज करवा दिए हैं, और इसकी शॉप भी पहले हमने सीज की थी, उसकी अटैचमेंट की प्रोसीडिंग शुरू की है। अब जस्ट नाउ आई गॉट टू नो कि इसने प्रॉपर्टी भी, इल गॉटन प्रॉपर्टी एक्यूमुलेट की है, परचेज किया है। हम उसको आइडेंटिफाई करके उसकी भी अटैचमेंट प्रोसीडिंग करेंगे। और मेरी तरफ से है कि एक बार तो हमने इस बार हमने मनादी टाइप ऑफ एक्टिविटी भी की है कि ड्रम बीटिंग भी करेंगे ऐसे लोगों के खिलाफ जो सोसाइटी में गंद फैला रहे हैं। तो सर क्या क्या इसकी गाड़ियाँ भी हैं जो इसने परचेज की हैं रिसेंटली, और वो यूज़ भी हुई हैं डिफरेंट स्टेजेस पे, तो उनको भी हम सीज करेंगे। साथ में इसकी शॉप है, और इसमें इसकी जम्मू में कुछ अकोमोडेशन हैं जो आइडेंटिफाई हुए हैं, जिनकी सर्चिज हैं, हम कोर्ट आर्डर्स ले रहे हैं, तो वो भी सर्च करेंगे वहाँ की प्रॉपर्टी। और जो मेन सप्लायर जम्मू के भी इसके, वो भी आइडेंटिफाई हो गए, उनके खिलाफ भी एक्शन। सर ऐसे बहुत सारे अभी पेडलर्स हैं जो बेच रहे हैं और कर भी रहे हैं, बहुत सारे अभी बाहर घूम रहे हैं। डेफिनेटली जिस जिसका इंफॉर्मेशन और लिंक डेवलप हो रहा है, वी आर टेकिंग एक्शन, एंड हमारी कमिटमेंट है कि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट को हम इस मिनट से बचाएंगे। डेफिनेटली बहुत सारे लोग अभी हैं जो इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं मगर वो अभी भी डर रहे हैं। डरने की जरूरत नहीं है, हम किसी का नाम नहीं, ना तो केस में आज विटनेस ला रहे हैं। प्लीज गिव अस इन्फॉर्मेशन लिबरली, और हम आपका नाम गुप्त रखेंगे, और रादर वी विल रिवार्ड दोज पीपल जो हमें सपोर्ट करना चाहते हैं। अल्टीमेटली मैं कहूंगा सभी रिलीजियस लीडर्स, सेनर पर्सन ऑफ द सोसाइटी, दे शुड कम फॉरवर्ड, एंड इट इज नॉट काइंड ऑफ थिंग कि आप बचाएंगे और उसके बाद आप लोग सेफ रहेंगे। प्लीज कंट्रीब्यूट फॉर सेफ्टी ऑफ योर सोसाइटी। सर किश्तवाड़ पुलिस पर इल्ज़ाम है कि जो वाइन शॉप खोली है मेलन एरिया में उनको आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये क्या मसला है, क्या बताएंगे आप? देखिए सरकार का जो मैंडेट है और स्पेशली जो थॉट प्रोसेस है कि वाइन शॉप उस एरिया में खोले जाए जहां देसी लिकर बिक रहा हो, तो देसी हो या देसी लिकर के बिकने से उसमें क्वांटिटी एंड कंसंट्रेशन कंट्रोल नहीं होती, और देन चांसेस ऑफ डेथ रहते हैं लोगों के। तो उससे बचाने के लिए जो ड्रिंक करता है उसको रेगुलेटेड मैनर से क्वालिटी ड्रिंक मिलेगा, और वहीं ये खोली जा रही हैं पिछले केसेस देख के। सिंस यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्शंस आ रहे थे कि आल्दो ये एक्साइज डिपार्टमेंट का काम है कि उस एरिया में बच्चे या स्कूल या वो, तो वो पैरामीटर्स हम उनको कम्युनिकेट कर रहे हैं। रीलोकेशन की जो पॉसिबिलिटी भी सोसाइटी के साथ डिस्कस करें, कंसर्न डिपार्टमेंट करेगा। वी हैव गिवन फीडबैक, बट इम्पॉर्टेंट जो गवर्नमेंट का मूव है दैट इज़ फॉर वेलफेयर ऑफ यू पीपल अकॉर्डिंगली इट इज़ बीइंग डन। सर ये खबर भी आ रही है कि आप जो स्कूलों में बच्चे नहीं जा रहे हैं, स्कूलों और कॉलेजेस से भी मैटर टेकअप कर रहे हैं, आप उनको भी ग्रिल करने जा रहे हैं कि क्या रीज़न है बच्चे महीनों हफ्तों स्कूल नहीं जाते हैं, तो उस पर क्या बोलेंगे? उसके बारे देयर इज अ डिपार्टमेंट, वी हैव इन्फॉर्म कि फीडबैक दे दें, अगर पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना है, कन्विंस करना है, बच्चों को ड्रॉप आउट नहीं होने देना, वो स्टेज ना आए, और स्किप करना तो बात ही नहीं बनती है, स्किप भी नहीं करना चाहिए, जाना चाहिए रेगुलरली, इट्स अ मैटर ऑफ द करियर। आई होप कि जो जो पेरेंट अपने बच्चे के लिए नहीं सोचेगा वो किसी और की बेहतरी नहीं सोच सकता, तो पेरेंट्स हैव टू थिंक अबाउट दैट। थैंक यू।